तो यहाँ पे होती थी भाई जिप लाइनिंग। यहाँ पे लगा हुआ भाई ग्रामीण मेला, ये है पलचान का एरिया। और इस तरफ देखिए ये है सोलांग वैली ऊपर जाके। सो मुझे ये छोटा सा बच्चा मिल गया रास्ते में और इसने लिफ्ट मांगी। तो इस रोड में बहुत ज्यादा कीचड़ है यार, ये देखिए तीन तीन बैठे हुए और वो फिर से बैठ गया भाई, नहीं चढ़ेगा भाई नहीं चढ़ेगा। लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर गुलाबा पड़ेगा, तो बारिश इतनी रहेगी तो यानी कि पंगा ले सकते हैं जाने का। और एक और उस तरफ है देखिए, हल्का सा आपको दिखाई देगा पानी गिरता हुआ, ये तो बहुत ही सुपर लग रहा है। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी की? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आपका भाई राजेश भी एकदम बढ़िया है। तो आज का मेरा प्लान है रोहतांग पास की तरफ, बट टाइम हो रहा है अभी 4:30, तो हम जाएंगे गुलाबा की तरफ। आजकल वैसे भी आपको बता दूं जो रोहतांग पास वाला जो रोड है, क्योंकि हाइट है उस तरफ और हरियाली बहुत ही ज़्यादा है और एकदम नंबर वन हरियाली है। और आज फिर से मेरे पास है स्कूटी, तो स्कूटी के ऊपर मैं राइडिंग करने वाला हूँ। तो आप देखिएगा क्योंकि मौसम भी भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का ख़राब है और बीच बीच में बादल हैं, तो देखते हैं अगर बीच में बारिश हो गई तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। बट आज मैंने छाता डाल रखा है, पर यार छाते के साथ जो है स्कूटी के ऊपर बैठा नहीं जा सकता। तो एक काम करते हैं, फटाफट निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आज का व्यू। तो मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ली। सो बीच बीच में इस तरह का रोड है और आगे जाके भी हल्का फुल्का टूटा हुआ है, बट देखना ये है जो सोलांग वैली के आगे से जो रोड कट होता है रोहतांग पास के लिए, वहाँ से आगे रोड की कंडीशन कैसी है। व्यू देखिए यार नंबर वन, चारों ओर देखिए धुंधी धुंध छाई हुई है पहाड़ों के ऊपर। बांग के पास वाला ये जो न्यू ब्रिज बना हुआ है ये भी बिल्कुल सेफ है, और पुराने वाला जो ब्रिज है ये भी सेफ है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी राहत की बात है ये कि दोनों पुल जो है हमारे सेफ हैं। और इस तरफ ये जो बिल्डिंग है ये भी सारी की सारी सेफ है। और इस तरफ है हमारा नेहरू कुंड, आगे जाकर ये जो बड़ी सी चट्टान है यहाँ, देखिए नेहरू कुंड है जो कि काफ़ी फेमस है, इस तरफ टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे मौसम तो आज ऐसा ही है, बादल बने हुए लगभग 2-2.5 बजे के बाद। मैंने सोचा आज निकलते हैं नई लोकेशन पे और आपको अपडेट भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ भी कट चुका है फ्लड से, क्योंकि यहाँ पे पास में नदी, इस वजह से ये वाला टुकड़ा जो है कट गया यहाँ से। साथियों वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ से लगभग मुझे 18 से 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फूड वैन है और फूड वैन के आसपास तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रस रहता है। तो ऐसे में आपको बताया कि कुल्लू मनाली की तरफ जो तबाही का मंजर हुआ उसके बाद जो है यहाँ पे टूरिस्ट थोड़े कम हो चुके हैं। आसपास देखिए तो यहाँ पे होती थी भाई जिप लाइनिंग और जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा रस रहता था, और इस तरफ से जाते थे उस छोर, ये जो सामने वाला पार आपको जो तरपाल जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ तक जाना रहता था। ये वाला जो एरिया है ये है पलचान, और पुराने पुराने यहाँ पे देखिए घर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लगा हुआ भाई ग्रामीण मेला पलचान का, देखिए यहाँ पे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, और देखिए घरों घरों में देखिए मेहमान आए हुए सबके। और इस तरफ देखिए थोड़ी सी दुकानें इस तरफ है, थोड़ी सी आगे जाती है। महाराज भाई साहब क्या गल है, आपकी वीडियो शूट करने वाला था। है क्या बात है, कि अपने भाई की नहीं करनी और किसकी करनी है। तो दुकान लगाई है अपने यहाँ पे ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया। पलचान मेला लगा हुआ है, आज ही लगा कि कल से? कल से लगा जी, कल से। तो भाई देख लीजिए इधर उधर सब जगह दुकानें दुकानें हैं। ये है हमारा ग्रामीण मेला। तो ये कितने दिन चलेगा भाई साहब? कल सर लास्ट रहेगा कल। तो यहाँ से दो रोड कटते हैं, एक जाता है सोलांग वैली की तरफ और दूसरा जाएगा रोहतांग पास। सो मुझे ये छोटा सा बच्चा मिल गया रास्ते में और इसने लिफ्ट मांगी। कहाँ जाना भाई तेने? ऊपर कहाँ? रोहतांग पास कहाँ गाँव बोल, गाँव कौन सा? पलचान में जाना। पलचान तो यार नीचे है, तू कहाँ जा रहा है? इधर तो कोठी पड़ता है ना। तो फिर ये है पलचान का एरिया और यहाँ पे देखिए आप एक से एक बढ़ के आपको यहाँ पे कॉटेज मिलेंगे, और इस तरफ आगे जाके मनाली का एरिया है। यहाँ पे बहती है भाई ठंडी ठंडी हवाएं और दिल को एक सुकून सा मिल जाता है इस तरफ।
और इस तरफ देखिए ये है सोलांग वैली ऊपर जाके, तो ये वाला जो रोड जाता है ये आता है अटल टनल और आगे जाके सोलांग वैली की तरफ। और अब तो रोहतांग का जो एरिया है गुलाबा वाला, सब जगह बादल ही बादल हो चुकी है और एकदम नंबर वन व्यू लग रहा है। और पहाड़ों के ऊपर ये जो बादल है ना, ये दिल को छू लेते हैं। तो छोटू बारिश तो लग गई है, मेरे साथ चलेगा गुलाबा तक? चलेगा? चल यार, अरे चल तो सही। इस छोटू के घर है पास में, ये वाला जो मकान पीछे दिखाई दे रहा है, तो बाय बाय कर दे भाई सभी को। बीच बीच में भाई बहुत कच्चा रोड है और मेरा हेलमेट भी नीचे गिर चुका है, ये देखिए। तो इस रोड में बहुत ज़्यादा कीचड़ है यार, ये देखिए तीन तीन बैठे हुए और वो फिर से बैठ गया भाई। नहीं चढ़ेगा भाई, नहीं चढ़ेगा, उतर जा यार। यहाँ तो मुझे भी अच्छे से ट्राई करनी पड़ेगी। निकल गई निकल गई। और भाई बारिश भी शुरू हो चुकी है। दल दल है यार यहाँ तो बारिश शुरू हो चुकी है। रोड में देखिए छींटे छींटे हैं। साथियों आपको थोड़ा सा आगे और ले रखता हूँ, पता नहीं लास्ट तक जा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बारिश जो है बहुत तेज लग चुकी है। क्या लग रहा है भाई, बारिश लग जाएगी? पक्का? आप काम करते हो ऊपर जाके? रोड का काम? लापा तो यार तीन तीन बैठे हो स्कूटी की, तो आपने ऐसी की तैसी कर दी है। जान है इसमें। यहाँ से कितना किलोमीटर है गुलाबा? 10-12 किलोमीटर अभी। ओ यार तब तो बहुत ज्यादा है। वाओ यार कितना प्यारा ब्रिज है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे गुलाबा? पैदल ही जा रहे हैं? कितना किलोमीटर है यहाँ से? पता ही नहीं है, पहली बार जा रहे हो? ना अच्छा अच्छा अब कहाँ जाना? मैं तो गुलाबा नहीं जा पाऊंगा, जाना तो था पर बारिश लग रही है बहुत ज्यादा, वापिस आना है यहीं से। वापिस आना है मैंने यहीं से आगे से, नहीं तो आपको ले रखता। ठीक है, ये देखिए भाई ब्रिज। बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो ऐसे में मैंने थोड़ा सा पेड़ का सहारा लिया हुआ है और निकलते हैं 2-4 मिनट बाद और आगे की तरफ, क्योंकि यार दिल नहीं भर रहा है, क्योंकि ब्यूटी इतनी बढ़िया है ना आजकल, तो हरियाली हरियाली होती है चारों ओर। ऊपर का जो मेरा 1-2-3-4 किलोमीटर का प्रोग्राम था जाने का, वो भी कैंसिल हो चुका है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगी है यार। ये देखिए रोड गीला हो चुका है और ऐसे में बीमार होने के पूरे चांस रहते हैं, तो मैं पंगा नहीं लूँगा, तो ऐसा करता हूँ वापस चलता हूँ। ये भाई साहब अपने ग्रिप में जॉब करते हैं और इन्होंने बताया कि आप बेझिझक ऊपर तक जाइए, लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर गुलाबा पड़ेगा, तो बारिश इतनी रहेगी हल्की ज़्यादा हो सकती है, तो यानी कि पंगा ले सकते हैं जाने का। ठीक है भाई, ओके। आप कहाँ से हो? बिलासपुर से। ठीक है, थैंक यू। तो भाई इनके बोलने पर निकल ही जाते हैं और आगे का दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि हल्की सी बारिश लगी हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा बारिश इस तरफ नहीं होती, आप जाइए और वापस आना है तब तो ठीक है, अगर आपने ऊपर की तरफ जाना है तो पंगा मत लेना। तो चलते हैं भाई, आपके लिए जा रहा हूँ। इसके नीचे से देखिए आप, नदी बह रही है छोटी सी, पहले तो इस तरफ फ्लड पक्का आया होगा। और वैसे आपको बता दूँ, रोहतांग की बात करें रोड की, तो रोड तो यार मुझे ऑलमोस्ट ठीक ही दिखाई दे रहा है, और ऊपर से देखिए गाड़ी आ रही है, ये शायद गुलाबा की तरफ रोड का जो काम चलता है ये कुछ, यानी कि पत्थर वगैरह और सीमेंट वगैरह ले जाते हैं। जंगल के बीच जो है प्यारा सा वाटरफॉल है, इस स्पॉट पे देखिए
यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे झरने बह रहे हैं। वाओ यार, ये नज़ारा ना बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो। पहाड़ों के बीच में और चारों ओर हरियाली हरियाली और बीच में इस तरह के झरने, देखिए सब जगह अब धुंध ही धुंध है। और देखिए सामने चोटी यार, इसके सामने ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत बन चुका है यहाँ पे। यही तो रोहतांग पास का जो एरिया है इस तरफ की, यही खासियत है कि चारों ओर आपको हरियाली हरियाली और धुंध ही धुंध और हरे भरे ये देवदार के पेड़। रोड एकदम नंबर वन है, इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, यानी जिस भाई ने रोहतांग की तरफ जाना हो वो बेझिझक आ सकता है। आगे जाके हल्का फुल्का सुना मैंने रोड खराब है, थोड़ा सा मड़ी से थोड़ा सा आगे ऊपर, बाकी ठीक है रोड। गाड़ियां आ जा रही हैं, बड़ी गाड़ी आप ले जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए दोनों ओर कितने प्यारे प्यारे हरे भरे पेड़ हैं। और ये वाले पेड़ ना भाई, ये जो थोड़े से पीले दिखाई दे रहे हैं, ये तो चिनार के पेड़ लग रहे हैं, बट यहाँ पे हो सकता है शायद चिनार के पेड़ ये ना हो। और आगे जाके लिखा है गुलाबा 7 किलोमीटर, और साथ में इस तरफ है एक और झरना वाटरफॉल, एक नहीं यार 3-3 वाटरफॉल है इस तरफ तो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रोहतांग 36 किलोमीटर। थोड़ी सी यहाँ पे बिजली की तारें हैं, बट आप फॉल देखिए यहाँ पे, क्या नज़ारा यार। एक तो इस तरफ है और दूसरे वाला ये देखिए, पहाड़ के बीचों बीच यार पानी आ रहा है। और एक और उस तरफ है, देखिए हल्का सा आपको दिखाई देगा पानी गिरता हुआ, ये तो बहुत ही सुपर लग रहा है। ऊपर से धुंध और सामने बहुत बड़ी चट्टान, इस तरफ तो एक से एक व्यू है। पर यार मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज धूप नहीं है, नहीं तो अलग ही मजा आता, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ के जो नज़ारे हैं ना वो शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। इसके बाद सीधा है लाहौल स्पीति, जिस्पा, बारालाचा, लद्दाख रोड। बट हमारे लिए जो मनाली के आसपास का जो एरिया है, गुलाबा और साथ में रोहतांग पास, ये सबसे बेस्ट है। ये वाली हरियाली देखिए, अब ये नज़ारा है अलग ही, और सामने एक और वाटरफॉल है। और इस तरफ से आ रही है भाई नदी छोटी सी, क्योंकि जगह जगह इस तरह के वाटरफॉल है, ये ग्लेशियर का पानी है और सारा का सारा पानी जो है इस नदी की ओर आ रहा है। जगह जगह आपको ऐसे ही वाटरफॉल मिलेंगे। साथियों मैं पहुंच चुका हूं मनाली बस स्टैंड, क्योंकि गुलाबा की तरफ जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी और रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि अब आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने फिर वापस आने की सोच ली। और रास्ते में मैं वीडियो भी नहीं बना सका क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, और मैंने छाता डाला हुआ था, बट यार स्कूटी चलानी है और साथ में छाता कैसे पकड़ना, और हवा से जो है छाता भी मतलब इधर उधर भाग रहा था। सो एक काम करते हैं, फटाफट निकलते हैं मनाली मॉल रोड की तरफ और देखते हैं क्या टूरिस्ट की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। फाइनली साथियों मैं पहुंच चुका हूं मनाली मॉल रोड पे। यहां पे देखिए आप बाहर से भी टूरिस्ट आ चुके हैं, क्योंकि रोड यार ओपन हो चुका है, तो ऐसे में आप लोग भी मनाली की तरफ आ सकते हैं। ये देखिए भाई क्लात से आगे का रोड है, और मैं क्लात के पास पहुंच चुका हूं। आगे से भी गाड़ी आ रही है और रात भर गाड़ियां अब ऐसे ही गुजरेगी इसी रोड से।
और ऐसे में देखिए हमारे पुलिस के कर्मचारी जो है रात दिन यहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आप सोचिए, आप रात को भी इनको ट्रैफिक देखना है, घर बार छोड़ के जो है देखिए इस नदी के किनारे जो है ना ऐसी जगह पे खड़े हुए जहाँ पे खड़ा होना जो है आपको पता ही है कितना डेंजर है। तो यहाँ से देखिए गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही हैं। रात के टाइम यार पानी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं लहरें जो है ऊपर की ओर उठ रही हैं और पानी जो है रोड के अगल बगल तक है। रात को वैसे भी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय श्री राम जी।